Scanning. Negative. ये ऑटोबॉट नहीं है. बच गए. तुम्हारे नए पेंट ने बचा लिया. कौन सबलिंग अब भी बंद ही है. बी ऑप्टिमस ने हमें अलग अलग जगह पर इसलिए भेजा था ताकि हम डिसेप्टिकॉन्स तक आसानी से पहुंच पाए. लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि बाकी सब कहाँ है तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे. जैस्पर की तरफ बढ़ते रहते हैं. मेगाट्रॉन के बड़े किले की तरफ. इन पहाड़ों से तो मैं बोर हो गई हूँ. देखो सेल फोन रख दो. भूल गई मैंने क्या कहा था. बल्क मैं किसी को कॉल नहीं कर रही थी. मैं तो बस इसमें वीडियो गेम खेलने जा रही थी. सॉरी क्या करूं थोड़ी टेंशन में हूं. हम जा कहां रहे हैं बल्कहेड. तुमने कुछ सोचा है या नहीं. मैं बस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं. वो क्या है. जब भी जंग के दौरान कोई यूनिट से अलग हो जाता है या भटक जाता है तो हम यही इमरजेंसी प्लान फॉलो करते हैं. हम हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट्स पर आकर मिलते हैं. अगर व्हील जैक जिंदा है तो वो वहां जरूर आएगा. रुक क्यों गए स्टारस्क्रीम. अभी तो मुझे इस खेल में मजा आना शुरू हुआ है. यकीन मानो व्हील जैक, मैं तुम्हारी खातिरदारी करने आया हूँ और मैं जान कर रहूंगा तुम्हारे साथी कहाँ पर हैं. चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े या कितना भी वक्त लगे. मैंने तुम्हें बताया ना, मैं वहाँ अचानक पहुँच गया था इसलिए वो मुझे बिना बताए ही वहाँ से चले गए थे. अगर मानना है तो मानो. आपकी खिदमत में हाजिर हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन. एक टीम को अपने साथ तुरंत साइबरट्रॉन लेकर जाओ. ऑटोबॉट्स को ढूंढ निकालना जरूरी है लेकिन साथ ही उन आयाकॉन रेलिक्स का हमारे हाथ लगना भी जरूरी है जो वहीं पर छूट गए थे. हो ना हो ऑप्टिमस प्राइम कहीं पर बैठकर उन्हीं के बारे में सोच रहा होगा. घबराइए मत ऑप्टिमस, आपके साथ मैं हूं स्मोक स्क्रीन. मैं यहां कैसे पहुंचा. डिसेप्टिकॉन्स जब हम पर हमला कर रहे थे तब सब बेस से निकल रहे थे. फिर ग्राउंड ब्रिज से निकलने की मेरी बारी आई. लेकिन मैं जा नहीं पाया. मेगाट्रॉन से लड़ने के लिए आपको अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा तो मैं फौरन वापस आ गया. लेकिन तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरा बेस मिट्टी में मिल गया. डिसेप्टिकॉन्स के वहां आने से पहले मैं आपको मलबे से निकालने में कामयाब रहा फेस शिफ्टर की मदद से, जिसे मैंने साइबरट्रॉन पर मची उस गड़बड़ी के वक्त चुराया था. सॉरी मैंने आपके ऑर्डर्स नहीं माने. हम यहां सेफ हैं लेकिन इतनी गहराई में कि किसी को हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा और इसीलिए मुझे रैचेट को ढूंढने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा. नहीं मत जाओ. आप ये क्या कह रहे हैं. उसके बिना हम आपको पहले जैसा नहीं बना पाएंगे. ऑप्टिमस जैस पर सही वक्त पर इवैक्यूएट नहीं हुआ होगा तो मॉम मुसीबत में हो सकती है या कॉन्स के चंगुल में भी. जैक और वो वहां से निकल गई होंगी तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही होंगी कि मैं कहां पर हूँ. जैक शांत हो जाओ. हम वापस जैस पर जाएंगे, तुम्हारी मॉम से भी मिलेंगे और अपनी पूरी टीम से भी. यही रहना,
शायद कोई डिसेप्टिकॉन पीछा कर रहा है। सॉरी मॉम, आपको कॉल नहीं कर सकता। एक टेक्स्ट से क्या बिगड़ेगा।